Hello everyone, I'm from Shikha Institute to here to deliver you a lecture on biology. Okay, welcome all in 11th standards. Okay, those students were already taken the decision that yes, we have been going to take A group or B group, right? जिन्होंने decision ले लिया है कि भाई हमें engineering करना है और medical करना है और उनका भी welcome है जो अभी decide नहीं कर पाए हैं. आप हमारे दोनों videos देख सकते हैं. आप maths भी देखिए और biology भी देखिए. उन subjects को समझिए, अच्छे से जानिए, क्योंकि अभी हम basic chapters ही आपको इसमें ले रहे हैं. It's a lockdown period, but इस duration में भी हमें time को utilize करना चाहिए, ठीक है? So आप उन दोनों subject को समझिए और फिर खुद judge कीजिए कि आप किस में best कर सकते हैं, ठीक है? Because now अब आप बड़े हो गए, ठीक है? बड़े तो हम वैसे भी हो गए थे, 10th में ही हो गए थे, लेकिन 11th में you are now enough mature to take your own decision about your life, okay? About the studies, like in which field you have to go, कौन सा option आपके लिए अच्छा है, आप क्या better कर पाएंगे? I know अभी तक काफी सारे counselling हो चुके होंगे, काफी सारे sessions आप लोग ले चुके होंगे, बहुत सारी चीजें हो चुकी होंगी और हम वेट कर रहे हैं 10th के रिजल्ट्स का. ओके, जो वेट कर रहे हैं दैट्स गुड, बट स्टिल इफ यू विल टेक योर डिसीजन दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज स्टडीज हमें प्रायर ही स्टार्ट करनी होती है, ठीक है? चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगी. आई एम हियर टू गिव यू डिटेल्स अबाउट बी ग्रुप फॉर बायोलॉजी. Those students were taken a biology B group and they have already decided yes we want to become a doctor. ठीक है, अभी सबसे ज्यादा डिमांड में है. दे आर जस्ट लाइक गॉड्स, ऑल डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग, एवरीवन, दीज आर जस्ट लाइक अ गॉड. हम कोरोना के जो स्ट्रगलिंग पीरियड में है, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब फॉर अस. वी शुड अप्रिशिएट देम एंड प्रे फॉर देम. सो आई ऑलवेज इंस्पायर माय स्टूडेंट, इफ यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर बी ग्रुप, आपका एक एम होना चाहिए, ठीक है? आप फोकस्ड होना चाहिए. अगर आपने बी ग्रुप लिया है तो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए आई हैव टू क्रैक नीट एंट्रेंस एग्जाम एंड प्लस 11th एंड 12th बोर्ड यू हैव टू स्कोर 90+, उससे नीचे नहीं. ये दो फोकस टारगेट आपके होने चाहिए दो साल के लिए. बिकॉज अगर आपने ये टू ईयर डेडिकेटेड कर दिए अपनी लाइफ को, सो पूरी लाइफ सेट है. अभी स्ट्रगल कर लोगे तो आगे एंजॉय करोगे, और अभी एंजॉय करोगे तो फिर बाद में स्ट्रगल करोगे. चॉइस इज योर्स, ठीक है? सो इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट और यू टेकिंग अ बायोलॉजी, तो सबसे पहले दिमाग से ये निकाल देना कि बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, मोटी मोटी बुक्स पढ़ना है. नो डाउट कंटेंट ज्यादा है, बुक्स ऐसे ही आएंगी, लेकिन आपको सबसे पहले चाहिए फोकस स्टडी, ठीक है? जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको आपको बेसिक से कवर करना है, ठीक है? नीट एक ऐसी एंट्रेंस एग्जाम है जो एनसीईआरटी बेस्ड होगी, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नीट एंट्रेंस एग्जाम में 9th और 10th स्टैंडर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. बेसिकली ये चार स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट्स के बारे के थ्रू ही पेपर्स सेट होते हैं, सारी चीजें पूछी जाती हैं. बिकॉज वॉट एवर द 11th स्टैंडर्ड कंटेंट दैट कम्स इन 9th, आप अगर देखेंगे चैप्टर्स को सिमिलराइज करेंगे तो 9th में जो चैप्टर्स में बेसिक दिया है उसी का हायर लेवल 11th में है, वाइस वर्सा 10th के चैप्टर्स आपको 12th में दिए गए हैं. सो आपके बेसिक्स क्लियर होना चाहिए. सो इससे पहले कि आप मेरे पूरे लेक्चर्स को देखें, मेरा अगेन एक एडवाइस होगा, या फिर आप जहां कहीं भी अपनी स्टडी कर रहे हैं, इट्स माय एडवाइस, you just start with your basics, उसको रिवाइज कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए. आप चाहें तो मेरे और भी लेक्चर्स हैं जो जूनियर सेक्शन के हैं 8th, 9th, 10th के, आप उन्हें भी देख सकते हैं, उन्हें डिटेल में आप सुन लीजिए. आई नो बुक्स को पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है, बट इस लॉकडाउन पीरियड को आप यूटिलाइज कर सकते हैं. डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि फिर आपको ये टाइम नहीं मिलेगा, तब आपको रेगुलर लेक्चर्स कवर करने होंगे अपने 11th और 12th के, जिसमें जो स्कूल में करवाया जा रहा है या आपके क्लासेस में करवाया जा रहा है आपको वही रेगुलर में लेना पड़ेगा. तो बेसिक्स पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लैक होगा, तो इट्स माय एडवाइस कि आप इस टाइम ड्यूरेशन में अपने बेसिक्स कवर करें. हालांकि मैं अपने हर लेक्चर में रिलेटेड टू टॉपिक बेसिक से ही स्टार्ट करती हूँ. आज भी अभी जो मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ, मैं पहले बायोलॉजी के बेसिक से ही स्टार्ट करूंगी, ठीक है? लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने के पहले एक चीज याद रखना, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज हो, मैं अपने बच्चों को हमेशा सिखाती हूँ, तीन चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए. वो कौन कौन सी? क्या, क्यों और कैसे. कोई भी टॉपिक है तो वो क्या है, क्यों है और कैसे है. अगर आपने उस टॉपिक की ये तीनों चीजें थॉरली पढ़ ली है ना बेटा, सो आई एम कॉन्फिडेंटली टेलिंग यू, आई एम प्रॉमिसिंग यू, यू विल बी गेटिंग वेरी गुड मार्क्स ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो उसका इंटरेस्ट आपके अंदर होना चाहिए. सो टेक ईच एंड एवरी टॉपिक एज एन इंटरेस्ट
एंड डू योर बेस्ट. ओके, सो जैसे आज हम स्टार्ट करेंगे, आज बेसिकली बायोलॉजी में हम फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लिविंग वर्ल्ड. लेकिन उसके पहले जैसे मैंने कहा, मैं बेसिक्स कंप्लीट रिवाइज करूंगी और आपको पहले ये एक्सप्लेन करूंगी कि आखिर आपने जो बायोलॉजी बी ग्रुप लिया है उसके लिए आपको एग्जैक्टली क्या फोकस्ड होके कैसे प्रिपरेशन करनी है. सो हम स्टार्ट करें. चलिए, हमने बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है, तो पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज बायोलॉजी. तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, है ना, अरे मैडम ये क्या, ये तो हमें पता है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी नो दैट. यस, टिल 10th स्टैंडर्ड आपने यही चीज पढ़ी है, 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स आपको उन्हीं चीजों को डिटेल में पढ़ना है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले बायोलॉजी को समझेंगे, ठीक है. तो बायोलॉजी को समझने के लिए यहाँ पर हम इसको इसका संधि विच्छेद कर देंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज बायो और यहाँ लिख देते हैं लॉजी. आप मेरे किसी भी लेक्चर को अटेंड करेंगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा आपको ट्रिक्स बताऊंगी चीजों को लर्न करने के लिए. बायोलॉजी के लिए एक माइंडसेट होता है कि बहुत टर्मोलॉजी अलग अलग होती है, वर्ड्स याद नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है. अगर आप उनके मीनिंग्स को याद रखेंगे, उनके डेफिनेशंस को याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखेंगे, तो आपको टर्मोलॉजी इजीली याद होगी, ठीक है. तो यहाँ बायोलॉजी को मैंने बायो और लॉजी में कर दिया. बायो मीन्स व्हाट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट. और इफ यू टॉक अबाउट लॉजी, इट्स अ सफिक्स. इंग्लिश में होता है ना, सफिक्स वर्ड्स यूज होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना. तो ये इट्स अ काइंड ऑफ सफिक्स वर्ड विच मीन्स लाइक स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ. सो व्हाट इज बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो यू विल से यस मैम ये तो हमें पता था, लेकिन कैसे, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हुआ, फिजियोलॉजी हुआ, मॉर्फोलॉजी हुआ, एनाटॉमी हुआ, सच काइंड ऑफ वर्ड्स विच आर डिराइव टू एक्सप्लेन द पर्टिकुलर पार्ट और पर्टिकुलर थिंग ऑफ स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो बायोलॉजी जो आता है वो क्या है, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ व्हाट आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लीज आप 11th में है ये तो पता ही है, बट अगेन हम फिर से फ्लैश बैक करते हैं. हम 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, इवन 6th से पढ़ते आ रहे हैं. हम ये जानते हैं कि अराउंड द अर्थ जहाँ हम रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हो, प्लीज डोंट टेल मी आप फ्लैट में रहते हैं, नहीं मेरा तो टेनमेंट है, नहीं सोसाइटी में रहता हूँ या अहमदाबाद में रहता हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है, या किसी सिटी में रहते हैं, वो नहीं बोल रही हूँ. मैं ये पूछ रही हूँ कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं. सो अर्थ इज अ पर्टिकुलर एटमोस्फेरिक जोन. तो अर्थ पे जो भी चीजें हैं वो एक मैटर के फॉर्म में है. अब अगर वो मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो डिविजन कैसा है, एक है नॉन लिविंग थिंग्स और एक है लिविंग थिंग्स. तो इसको और पर्टिकुलर वर्ड में यूज किया जाता है क्या, एनिमेट एंड इनएनिमेट. एनिमेट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमेट इन ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो इन बायोलॉजी वी आर स्टडिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो अब ये बात आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, है ना, तो ये भी हमें पता ही है. एज यूजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे कैरेक्टराइज किया है, 9th स्टैंडर्ड में डाइवर्सिटी वाला चैप्टर याद है, है ना, बहुत मुश्किल से याद किया था. आई अंडरस्टैंड, मैं भावनाओं को समझती हूँ, है ना, और काफी ज्यादा तो शायद ब्रेन वॉश हो गया होगा क्योंकि वो 11th में भी था और 11th में भी मुझे पक्का मालूम है, रट्टा मार मार के तुम सब गए होंगे एग्जाम देने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखा करिए. तो उस चैप्टर में हमने एग्जैक्टली क्या देखा था कि जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अभी तक आइडेंटिफाइड है, बहुत मजे की बात बता रही हूँ, अभी भी अर्थ पे ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कंप्लीटली आइडेंटिफाइड नहीं है बॉस, ठीक है. सो बायोलॉजिकल साइंस हैव अ ह्यूज एस्पेक्ट्स. आप इस फील्ड में आके जरूरी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ही बने, अगर डॉक्टर बनना दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, अगर नीट लिया है तो डॉक्टर ही बनना है, लेकिन अगर हम ये मेडिकल नहीं भी निकाल पाते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं दुनिया खत्म हो गई अब क्या होगा. हाँ पड़ोसी आके पूछेंगे ना, क्या हुआ आपके बच्चे सिलेक्ट नहीं हुआ, तो हाँ भाई नहीं हुआ कोई बात नहीं, है ना, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज है, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे बताती हूँ, बट पहले हम इसको कवर करते हैं. So, living organism comes in, number one, all microorganisms, ठीक है? या those living, single living organism, single cell living organism, which are not visible by naked eyes. हमें naked eye से दिखाई नहीं दे सकते. जैसे अभी इस रूम में भी बहुत सारे microorganisms हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे. आप जहाँ बैठे हो, आप जिस चेयर पे हो, या बेड पे हो, या लेटे हो, उस जगह पे भी बहुत सारे microbes हैं, है ना? आपके फोन में, आपके लैपी में, आपकी स्किन पे. So, such kind of living
लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कम से प्रोकैरियोट्स। ये वर्ड्स याद आ रहे हैं, है कि नहीं? अब दूसरी बात करते हैं किसकी, यूकैरियोट्स की, जो क्या है, मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो उसमें क्या क्या आ जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो बेसिकली अगर देखा जाए, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ 3-1, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो स्टडी ऑफ ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। ये 2 साल में, 11th और 12th में हमें जितने भी चैप्टर्स और टॉपिक्स पढ़ना है ना, उन्हें हमें इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साथ में लेके पढ़ना है, ठीक है? लेकिन फिर भी बायोलॉजिकल साइंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज जूलॉजी, अनदर वन इज बॉटनी। सो जूलॉजी कंटेन ऑल एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, ठीक है? तो जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, एंड बॉटनी कंटेन प्लांट स्टडी, जितने भी प्लांट्स है उनके बारे में पढ़ना है। मेरे बहुत सारे बच्चे हमेशा कहते हैं, मैडम क्यों बॉटनी क्यों पढ़ना है हमें, जब हमको डॉक्टर बनना है, मेडिकल में जाना है, तो हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे ना, हम क्यों यहाँ पे बॉटनी पढ़ रहे हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ने, उनके बॉटनिकल नेम इतने टफ होते हैं, टर्मोलॉजी इतनी ज्यादा टफ होती है। आई अंडरस्टैंड बेटा, बट इस चीज को समझो आप। मैं हमेशा अपने बच्चों को समझाती हूँ कि बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में हम कई तरह की ऐसी मेडिसिन कंज्यूम करते हैं जो हमें प्लांट एक्सट्रैक्ट से ही मिली होती हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो हम प्लांट एक्सट्रैक्ट के थ्रू ही कर पाते हैं। स्पेसिफिकली प्लांट की स्टडी के लिए एक और आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट अलग से है, आप अपना मेडिकल इन आयुर्वेद भी कर सकते हो। सो देयर आर सो मेनी रिक्वायरमेंट व्हिच वी कैन कंटेन और वी कैन गेट फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है? इसलिए बॉटनी सब्जेक्ट पढ़ना भी जरूरी है। आई नो वो बोर लगता है, कई बच्चों को लगता है, ऐसा सबको नहीं लगता है, लेकिन जिनको भी वो सब्जेक्ट बोर लगता है, मेरा एक ही सजेशन है, अगर आप उस सब्जेक्ट को भी उतने ही इंटरेस्ट से पढ़ोगे, स्टोरी वाइज पढ़ोगे, जितना जूलॉजी को पढ़ते हो, तो आपको वो भी बहुत ईजी लगेगा। और अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो बहुत ईजी लगेगा, अगर मेरे साथ चलोगे तो नीट तो दाने जी, डॉक्टर तो मैं बना के छोड़ूंगी, ठीक है दाना? आप अगर शिखर में आए हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। क्यों ऐसा? बिकॉज वी हैव अ पर्टिकुलर पॉलिसी, हम सिर्फ 25 स्टूडेंट के बैच लेते हैं, एंड 100% रिजल्ट अश्योरेंस होता है, बिकॉज वी गिव पर्सनल अटेंशन, हम इंडिविजुअली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है? अभी ये लॉकडाउन पीरियड है, अदरवाइज हमारे रेगुलर लेक्चर जो होते हैं ना, उन सभी रेगुलर लेक्चर्स में हमारे हम आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी कंडक्ट कराते हैं, वो भी मैं करवाऊंगी आपको अभी, ठीक है? कुछ एक प्रैक्टिकल्स, क्योंकि अभी इस पे तो मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, जो कि आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है, इजीली, और उनके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप शिखर ज्वाइन करेंगे, शिखर में आते हैं, तो हम इंडिविजुअली सारे प्रैक्टिकल्स कराते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। चलिए, तो अभी बायोलॉजी क्लियर है कि एग्जैक्टली बायोलॉजी क्या है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन अराइजेस, ये बायोलॉजी आया कहाँ से और मुझे पढ़ना क्यों है बायोलॉजी? बायोलॉजी के साथ साथ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना है, राइट? तो कई बार क्वेश्चन आता है कि यार ये हम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब क्यों पढ़ते हैं, है ना? जैसे एक बहुत वीडियो चला था टिकटॉक पे कि मैथ्स वाले टीचर से मिलके पूछते हैं कि ये अल्फा बीटा गामा यूज ना होता है, याद आया? ऐसा कुछ जोक चलता है, राइट? कि हमने इतना तो पढ़ा पर कहाँ आया, राइट? तो वैसा नहीं, वही चीज है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि हर सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन बायोलॉजी में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना भी क्यों जरूरी है, वो चीजें समझने के पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ, जो आपका टारगेट है, दैट इज नीट एंट्रेंस एग्जाम। मेडिकल फील्ड में आप जो नीट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जिससे आप डायरेक्टली डॉक्टर्स के लिए एलिजिबल होंगे उस डिग्री के लिए, सो नीट एंट्रेंस एग्जाम में एग्जैक्टली क्या है, नीट एग्जाम का जो पेपर्स हैं उसमें सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे, दैट इज बायोलॉजी, उसमें आपको आएंगे 90 MCQs, फिजिक्स 45 एंड केमिस्ट्री 45, ठीक है? सो टोटल इज 180 क्वेश्चंस, एंड पर क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, सो देयर इज 720 मार्क्स पेपर, एंड टू गेट अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज योर टारगेट शुड बी 600 प्लस,
आउट ऑफ 720 इतना तो टारगेट लेके चलना ही है. इसके लिए आपको हर चैप्टर में किसी न किसी सिचुएशन में 80% मार्क्स हर टेस्ट में स्कोर करना पड़ेंगे. इफ यू स्कोर लाइक दैट तो आपको कोई भी नहीं हाथ रोक सकता. इतना याद रखना, नीट क्रैक करने का एक ही फॉर्मूला है. हम कैसे शिखर में करते हैं, हम आपको हर संडे टेस्ट लेते हैं, लेकिन हर संडे के साथ साथ जो हमारी इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड बैचेस होती हैं, हम हमेशा लेक्चर्स कंप्लीट करने के साथ में अल्टरनेट डे आपको वापस सेंटर पे ही बुलाते हैं और वहीं पे आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने होते हैं. जो भी टॉपिक पढ़ा उसके पैरेलल एमसीक्यूज, तो वो भी अप्रॉक्स पर चैप्टर हम आपसे 100 and 200 एमसीक्यूज तो यूं ही सॉल्व करवाते हैं और उसी चैप्टर का बोर्ड फोकस पेपर भी करवाते हैं, क्योंकि बोर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट है. ये ध्यान रखना बेटा, किसी के भी दिमाग में अगर ये बात आ रही है कि भाई हाँ बोर्ड में तो अभी 55% नीट में बोला हुआ है तो हम तो ले आएंगे चलेगा, ऐसा नहीं करना. आप अभी है, आप जब तक आएंगे मे बी जैसे जेई में हो गया है वैसा नीट में भी हो सकता है कि 70+ या 75% मार्क्स कंपलसरी हो जाएंगे. सो बोर्ड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. नहीं भी हो तो भी आपका बोर्ड्स का जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है लाइफ लॉन्ग काम आता है, तो आप उसको अच्छे स्कोर से बनाइए. तो उसके लिए हम आपको बोर्ड की प्रिपरेशन भी साथ में कराते हैं. संडे के जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें एक पेपर बोर्ड का होता है और एक पेपर नीट का होता है. तो वो सेम बोर्ड का थ्योरी का जो पेपर होता है वो एक चैप्टर कॉमन हम रखते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग रखते हैं. वो आप एक बार विजिट करें तो हम आपको और अच्छे से समझा पाएंगे. सो उसमें क्या है, आप भी फोकस रखें, इस चीज को समझें. आपके हर संडे के टेस्ट में जो भी चैप्टर आ रहा है उस चैप्टर में आपको 80% प्लस मार्क्स स्कोर करना है. अगर आपने थ्रू आउट द ईयर अपने 11th और 12th दोनों में सारे चैप्टर में 80% स्कोर किया है तो याद रखिए, शिखर में हम क्या करते हैं, हम हमारा सिलेबस अक्टूबर में ही फिनिश कर देते हैं. 11th का भी, ठीक है, 11th का भी और 12th का तो और जल्दी करते हैं, सितंबर में फिनिश कर चुके होते हैं, क्योंकि उसके बाद हम आपको टोटल रिवीजन पे ले जाते हैं. बोर्ड का रिवीजन अलग है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम जल्दी आ जाती है फैब में, एंड देन वी हैव अनदर टाइम फॉर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज, बट स्टिल वी नॉट डू दैट. वॉट विल डू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस विल स्टार्ट the revision of chapters and test of board and competitive both. So अगर आप हमारे शिखर का पूरा format देखेंगे तो हम per student, per subject, per chapter गंदी से गंदी सिचुएशन में 400 to 500 MCQs and per chapter wise हमें per subject wise full course paper 30 to 35 करवा चुके होते हैं. तो आप जब एग्जाम देने बैठते हैं ना तो आपके कॉन्सेप्ट मस्त क्लियर होते हैं. बोर्ड में तो आपको क्वेश्चन देख के ये लगता है यार मुझे ये भी आता है एंड यू डू इट एंड वी हैव टाइम लिमिट कॉन्सेप्ट ऑल्सो. बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, वीडियोस पे मैं सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो आप उस चीज को समझिएगा, प्रोसेस फॉलो कीजिएगा. सो सक्सेस कहीं नहीं गया, आपके हाथ में ही है. अगर आप डिसिप्लिन्ड होके फोकस्ड होके करोगे बिल्कुल सिलेक्ट होगे. ठीक है, चलिए. सो 720 मार्क्स का अपना नीट का एग्जाम होता है. अगर हमने 600 प्लस स्कोर किया सो वी कैन गेट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज एज वेल. अब फॉरन एग्जाम, अच्छा अब इस एग्जाम को निकालने के बाद हमें एडमिशन किस में मिलता है, MBBS, ठीक है, BDS, BHMS, ये जो कोर्सेज हैं, वेटरनरी, MBBS मतलब ह्यूमन के डॉक्टर. आप MBBS करते तो आप फिजिशियन होते हो, ठीक है, उसके बाद आप PG कोर्स कर सकते हो और MS और MD कर सकते हो. तो MS और MD यानी मास्टर्स इन सर्जरी, मास्टर्स इन मेडिसिन, और इसके लिए भी आपको PG नीट क्वालिफाई करनी पड़ती है. ये UG नीट कहलाती है, ये PG नीट कहलाती है. सेम एज विद BDS. BDS कौन है, डेंटिस्ट है. BHMS होम्योपैथी बेस्ड डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है. इन कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए आपको नीट एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है. अब अपन एक चांस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी एक चीज मैं यहाँ बताना रह गया कि +4 जो मार्क्स है ये आपको सही आंसर का है और -1 जो है रॉन्ग आंसर का, दैट इज द नेगेटिव मार्किंग. सो आपका सबसे पहला ध्यान होना चाहिए कि आप जब भी MCQ सॉल्व करें आपके कम से कम नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए. उसके लिए आप अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये मेरा आंसर परफेक्ट है, ये सही है, तो ही उसको मार्क करें. अदरवाइज ऐसे जय माता दी करोगे तो फिर जय माता दी हो जाएगी भाई, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से स्कोर गिर जाता है. ठीक है, तो वो हमें नहीं करना है. इसी की प्रैक्टिस हम आपको शिखर में बहुत अच्छे से करवाते हैं. अच्छा, हम आपको नीट में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रैक्टिस करवाते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ऑफलाइन MCQs ही करवाएंगे, ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कराते हैं. चले, लेकिन 1% चांस लेते हैं हम कि फॉर एन एग्जाम्पल हमारा नीट एग्जाम में नहीं हुआ सिलेक्शन, फॉर एन एग्जाम्पल 1%. तो अब क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, डोंट वरी, देर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस. देर इज वन मोर एग्जाम, दैट इज गुड CET.
ये स्टेट वाइज होती है, मैंने मैं गुजरात की बता रही हूँ। इस एंट्रेंस एग्जाम को देके आप क्वालिफाई अगर करते हैं तो नर्सिंग के कोर्स में आप जा सकते हैं। नर्सिंग की डिग्री एमएससी की होती है, बीएससी एमएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं, इस तरह से होता है। और नर्सिंग के अलावा अगर हम जाएँ तो पैरामेडिकल कोर्सेस होते हैं। पैरामेडिकल में कोर्सेज में क्या है, जो आपने लैब देखी है, पैथोलॉजी लैब्स है, अभी न्यूज़ में भी चल रहा है कि बहुत सारे प्राइवेट लैब को अफिलेशन दे दिया है कोरोना टेस्ट कराने का, है ना, वो भी कर सकते हैं, अप्रूवल दिया है ऐसा। तो पैरामेडिकल लैब में जहाँ हम एक्सरे कराने जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तो आप अगर फ्यूचर में अपना ऐसा कोई लैब ओपन करना चाहते हो या फिर वहाँ ऐसा टेक्नीशियन जॉब करना चाहते हो तो आप उसके पैरामेडिकल कोर्सेज में जा सकते हैं। इसके अलावा आता है फार्मेसी। आपका अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है सो दिस विल बी अ वेरी गुड फील्ड फॉर यू। यानी अगर केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है पर तुम्हें डिसेक्शन करने से डर लगता है, ब्लड देख के तुम हो जाते हो, तुम एमबीबीएस नहीं करना चाहते बट तुम्हें रहना इसी फील्ड में, सो आपके लिए ये फील्ड बहुत अच्छी है। यहाँ पर भी दो पार्ट है, एक है, एक डिग्री है बी फार्म और एक होती है डी फार्म। बी फार्म यानी बैचलर इन फार्मेसी, यहाँ पे आप मेडिसिन बनाना सीखते हैं, यानी किसी भी कंपोनेंट का कैप्सूल फॉर्म हो, टैबलेट फॉर्म हो, या उसका फॉर्मूला क्या है, ये सारा फॉर्मेशन सिंथेसिस करना आप यहाँ बी फार्म में सीखते हैं। इसके बाद आप कर सकते हैं एम फार्म, पीजी कोर्स उसका होता है, और फर्दर पीएचडी भी कर सकते हैं। डी फार्म क्या है, अगर अभी है, मुझे तो बिजनेस करना है, तो मेडिसिन से अच्छा बिजनेस कुछ है नहीं, है ना, बढ़िया, लोग बीमार होना बंद नहीं करेंगे, तुम्हारी दुकान बंद नहीं होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो तो डी फार्म कर सकते हो, जिसमें तुम्हें लाइसेंस मिलता है और तुम अपनी मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हो, ठीक है। एंड वन मोर, दैट इज फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपी एक पर्टिकुलर ऐसा फील्ड है जिसमें आपने देखा होगा एक्सरसाइज करवाते हैं, जिम में भी होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, है ना, नॉर्मली घर के होम विजिट पे जाते हैं, पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, बॉडी मूवमेंट है, बहुत सारी उसमें चीज़ें आती हैं। तो आप ऐसा डॉक्टर अगर बनना चाहते हैं तो ये याद रखिए, इन सभी फील्ड के लिए गुड सीईटी की एंट्रेंस एग्जाम देनी है, नीट की नहीं, क्लियर रखिए दिमाग में, ठीक है। तो वो एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं। अब पता चला कि मैडम हमें ये वाले कोर्स भी नहीं करना, हमें इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, मजा नहीं आया, तो कोई बात नहीं। इसके अलावा नॉन मेडिकल कोर्सेस होते हैं जिनमें आती है बीएससी, फर्दर आप कर सकते हैं एमएससी एंड पीएचडी। ये जो लोग होते हैं ना, दीज आर दी बैकबोन ऑफ डॉक्टर्स। आया समझ में? डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स ने सब कुछ पढ़ा है। अगर आप डॉक्टर बनते हो तो आपने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सारी चीजें पढ़ी जो अभी तक अवेलेबल है थियोरेटिकली, ठीक है। अब आपके पास पेशेंट आते हैं, पेशेंट आएगा, बोलेगा सर बहुत दुख रहा है, बुखार आ रहा है, फीवर है, पेट में दर्द है, सो डॉक्टर क्या करेंगे, पहले आपको जज करेंगे, है ना, बीपी वगैरह देखेंगे, सारी चीजें, आपके सिम्टम्स को रीड करेंगे, ठीक। पर ऐसा होता है क्या कि डॉक्टर बोल देता है सब चेकअप किया, बोला यार कल आना, मुझे पता नहीं है तुमको क्या हुआ, मैं कल बुक में पढ़ के बताऊंगा कि तुमको क्या हुआ है और फिर दवाई दूंगा, ऐसा नहीं करते ना कोई भी डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और कौन सी मेडिसिन इनको देनी है, सो दैट काइंड ऑफ कैलकुलेशन एनालिसिस ऑफ पैरामीटर्स एंड देन यू नीड टू जज व्हाट काइंड ऑफ रॉन्ग मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज गोइंग ऑन इन पर्टिकुलर पेशेंट बॉडी विन विच एज ग्रुप, व्हाट आर द पैरामीटर्स, ये सब जज करके कैलकुलेशन करके उस सिम्टम के अगेंस्ट कौन सी मेडिसिन का कंपोजिशन क्या है जो उस पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर रिजल्टेंट होगा, ये जज करके डॉक्टर फटाफट प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, राइट। लेकिन कभी ये सोचा कि डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ये मेडिसिन कहां से आती है, ये मेडिसिन बनती कैसे है? तो आप बोलोगे मैडम फार्मा इंडस्ट्री बनती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल सही है, पर फार्मा इंडस्ट्री में मेडिसिन बनाने वाले कौन, बी फार्म एम फार्म वाले। लेकिन वो भी मेडिसिन कब बना पाएंगे, जब उन्हें पता होगा कि उनको किसके अगेंस्ट मेडिसिन बनानी है, गेटिंग माय पॉइंट, लाइक दैट कोरोना, कोरोना इज अ वायरस, सो स्टडी ऑफ वायरस इज वायरोलॉजी। अब जब ये वायरोलॉजी यानी वायरोलॉजिस्ट वायरस की स्टडी करने वाले बंदे उस वायरस के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज देखेंगे, उसका डीएनए आरएनए कंपोजिशन देखेंगे, उनके फिनोमेना को स्टडी करेंगे और उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स को रिएक्ट करके देखेंगे, और फिर वो एक अगर किसी एनालिसिस पे आते हैं कि यार इससे इस एंटीबायोटिक से ये वायरस किल हो रहा है,
तो हम इस डिसीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तब फिर उसका फॉर्मूला वो बी फार्म वाले को यानी फार्मासिस्ट को भेजेंगे, फार्मेसी में वो फार्मा इंडस्ट्री फिर उस मेडिसिन को बनाएंगी और फिर वहां से वो कुछ सैंपल कॉपी डॉक्टर्स के पास आती है। कभी भी देखा है किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर प्राइवेट क्लिनिक में बहुत सारे MR बैठे होते हैं, MR यानी मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग कंपनी से आते हैं जैसे सिप्लर एंड बेक्सी, ये सारी इंडस्ट्रीज है उन सबके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आते हैं। वो डॉक्टर्स को वो मेडिसिन देते हैं कि भाई ये हमारे नई मेडिसिन बनाई है हमने इस सिम्टम्स के बारे में, तो आप एक बार ट्रायल लीजिएगा, अपना रिव्यू बताइएगा। अब डॉक्टर्स उन सारी मेडिसिन की कंपोजिशन को देखते हैं, वो ऐसे ही नहीं बन जाती, गवर्नमेंट से परमिशन होके ऑथेंटिक होके ही बनती है, ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। फिर वो पेशेंट को देखते हैं, उसके इफेक्ट आते हैं, फिर वो मेडिसिन कंटिन्यू होती है। तो आप एक मैंने ये स्टोरी क्यों सुनाई, इस चीज को समझिए, व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ नॉन मेडिकल बेस्ड पर्सन। ये दोनों के दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज दिमाग में ये मत लाना कभी भी, मैं अपने हर मेडिकल के बच्चे को बोलती हूँ, नो डाउट योर टारगेट शुड बी अ मेडिकल, यू शुड बी अ डॉक्टर, बट अगर वो 1% भी ऐसा हो जाए कि नहीं हो पाया तो तुम उसकी बैकबोन बॉस, तुम्हारे पास एक ऐसा ऑप्शन है, अगर तुम लोग काम नहीं करोगे, ये नॉन मेडिकल वाले बंदे काम नहीं करेंगे, तो यहाँ डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। Getting my point? So these are the courses जिसमें आप BSc, MSc, PhD बहुत सारी फील्ड में कर सकते हैं। That comes with biotechnology, नाम सुना होगा, microbiology, botany, zoology, forensic science. Then we can say biochemistry, molecular genetics, virology, and certain so many more. बहुत सारी branches हैं, तो इनमें से कोई भी चीज करके you can become a good researcher, you can identify, you can do lots of research and helps to the world, and you can even identify so many different species also. वो कैसे, जो हमारे इसी चैप्टर में स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा ये चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। उसमें आपको एक चीज और ध्यान देना, मैं अपने हर चैप्टर के स्टार्टिंग में उसकी हिस्ट्री जरूर बताती हूँ, ठीक है, और वो याद करना जरूरी है। सिर्फ ऐसे ही नहीं बताती, क्योंकि हिस्ट्री भी पूछी जाती है, नीट में भी हिस्ट्री बेस 4 to 5 क्वेश्चंस आते ही हैं कि किस ईयर में किस साइंटिस्ट ने क्या किया था, कैसे किया था, क्या हुआ था, सो दैट इज मैंडेटरी, आपको वो सब कुछ लर्न करना ही है। तो वो बताऊं, हम चैप्टर स्टार्ट करें उसके पहले हम एक छोटा सा शॉर्ट रिविजन लेते हैं। कैसा शॉर्ट रिविजन, शॉर्ट रिविजन लेते हैं हम बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी से, ठीक है, एक पूरा कर्व रेडी करते हैं और ये जानते हैं कि हमें ये 2 साल तक क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसके गो थ्रू हमको होना है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। सो बायोलॉजी में क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से आए, सबसे पहला क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन है कि नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं से तो बने होंगे, कुछ तो हुआ होगा। अभी तक जो हम साइंस पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमने ये देखा है कि भाई वो इतने टाइप के सेल होते हैं, ये सेल मिलके ये टिश्यू बनाते हैं और बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनी होती है, लेकिन ये हुआ कैसे, यानी अंडा पहले आया कि मुर्गी, क्वेश्चन था है ना, है अभी भी कि अंडा पहले आया मुर्गी, तो वैसे ही मिस्ट्री है कि एग्जैक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म आए कैसे। तो एक्चुअली एक थ्योरी है, दैट इज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि भाई अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ इट वॉज अ डिफरेंट मैकेनिज्म। आप उसको गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिजिक्स का टॉपिक है, आप गो थ्रू हो सकते हैं उसके, फिर समझे। मैंने आपको सिर्फ एक थ्योरी का नाम बताया हुआ है, इट्स अ हाइपोथेटिक थॉट कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तो उसके बिग बैंग थ्योरी जब कंप्लीट हुई तो उसके बाद अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अर्थ जब बना था तो एक फायर बॉल थी, एक बहुत बड़ा आग की गोला थी, ठीक है, जिसपे हम अभी रह रहे हैं। जैसे वॉल्केनोस ब्लास्ट होते हैं तो कितना सारा फायर एंड एवरीथिंग गेट्स कम आउट ना, टेम्परेचर कितना हाई होता है। तो ऐसा जब अर्थ बनी थी तो पूरे अर्थ पे ऐसे ही था, है ना, लेकिन कई साल हुए, धीरे धीरे टाइम बीता तो टेम्परेचर कम होता गया, टेम्परेचर कम होता गया तो अर्थ पे रॉ मटेरियल का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। नाउ व्हाट इज रॉ मटेरियल, ठीक है, एग्जैक्टली
अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, जो भी मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको सबको हर एक चीज नोट डाउन करनी है। अभी आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, नोटबुक होना चाहिए और पेन होना चाहिए, जो भी चीजें बताई गई है नोट डाउन करना है। अगर नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लीजिए और जो जो चीजें हैं वो नोट डाउन करिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो ये मैं एक फ्लो चार्ट में आपको पूरा बायोलॉजी के 2 साल का एक छोटा सा टूर लगवा के आऊंगी और फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो व्हाट इज दिस रॉ मटेरियल? Now raw material means what? अभी हम 9th standard को याद करो, chemistry में हमने बहुत सारे chemicals के बारे में पढ़ा, that is periodic table. Periodic table में बहुत सारे elements होते हैं, है ना? Elements है कि नहीं अलग अलग? तो वो ही सारे अलग अलग elements form हुए, ठीक? Form होते गए और फिर उन chemicals से बना, that is bio molecule. ठीक है? Bio molecule आपका 11th का chapter भी है. अभी बायोमोलिक्यूल्स क्या है, ये वर्ड आपने पहले भी पढ़ा होगा, 10th में भी ये वर्ड आया है, हम मेरे शिखर के जो बच्चे हैं उनको पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया था। बायोमोलिक्यूल्स आर दोज कंपोनेंट्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स व्हिच हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लाइफ, वो लाइफ के बनने में हेल्प करे। और इधर बायोमोलिक्यूल्स आर ऑल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स व्हिच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, अगेन ये पता होना चाहिए, हमने 10th के केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हुए जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन हुए? वो जो कार्बन से मिलके बने हैं। आपके 11th में केमिस्ट्री का जो चैप्टर्स हैं उसमें भी आएगा, कार्बन बेस्ड कंपाउंड आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला भी एक चैप्टर है, वहां पे भी ये चीज आपको पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सिंपल वर्ड में याद करना है, ऑल दोज कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन, जो कार्बन एलिमेंट से मिलकर के बने हों वो सारे क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो बायोमोलिक्यूल्स काम से विच वाज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? ऐसा तो क्या बन गया सबसे पहले, तो यहाँ आप नोट डाउन कीजिए, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपके लिए बहुत नए वर्ड नहीं है, ये सब आपने ऑलरेडी सुना हुआ है। तो 11th में भी बहुत सारे हर चैप्टर में ऐसी चीजें आएंगी जो आपको पहले से पता है, लेकिन सिर्फ बेसिक्स पता है और अब हमको उनको डिटेलिंग में पढ़ना है, ठीक है? सो कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स, then fats, or you can write as a fatty acids, lipids, nucleic acid, ये आपके लिए नया वर्ड होगा, nucleic acids, hormones, ये भी आपने सुना है, enzymes, ये भी आपने सुना है, विटामिन, मिनरल्स एंड विटामिन, ये भी आपने सुना ही होगा, राइट? तो इस चैप्टर में आपको इन सब के बारे में पढ़ना है। कैसे? कि कार्बोहाइड्रेट क्या हैं, कितने टाइप के हैं, किससे मिलके बने होते हैं, उनकी फंक्शंस क्या है, उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बोहाइड्रेट किस मेथड से, किस बायोकेमिकल रिएक्शन से फॉर्म होते हैं और क्या क्या करते हैं। सेम चीज फॉर प्रोटीन, फैटी एसिड एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो ये हमको पढ़ना है। पर क्वेश्चन आता है क्यों पढ़ा है ये टॉपिक को, ऐसा क्या है? एक्चुअली जैसे मैंने आपको कहा कि हर चैप्टर में मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाया करूंगी, तो जब वो चैप्टर आएगा तब बताऊंगी। अभी एक ओवरव्यू बताती हूँ कि अर्थ पे जब लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है तो ये माना गया है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका होता है? नाइट्रोजन गैस का होता है, ये हमें पता है, हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं, है कि नहीं? और अप्रॉक्स 78% होता है। तो अभी बायोलॉजी का साइंस की हिस्ट्री, ये कुछ रिसर्चर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि चूंकि उस टाइम पे भी नाइट्रोजन गैस ज्यादा थी, तो उसको कंज्यूम करके नाइट्रोजन को गैस की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ फॉर्म हुए और उन्होंने फर्दर एक दूसरे साथ कंपाइल किया और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया। तो वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है? तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात कर रही हूँ तो ये आंसर आपको आना चाहिए, एनी गैस की नाइट्रोजन से इनमें से कौन सा बायोमोलिक्यूल बनता है? एनी गैस इसमें से कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो नाइट्रोजन की प्रेजेंस से बनता है? अगर नाइट्रोजन नहीं हो तो नहीं बन पाएगा। ऐसे तो बहुत सारे हैं, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट विच वन इज प्रोटीन। तो यहाँ क्या सीन है, ये कहा जाता है कि नाइट्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन, क्या क्या है? नाइट्रोजन प्लस कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये सब मिलके इन्होंने बनाया अमीनो एसिड्स को, और अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड जब फ्यूज हुए तो उन्होंने बना दिया प्रोटीन। क्या बनाया? प्रोटीन। और जो हमारा बेसिक प्रोटीन कौन सा है?
10th standard में पढ़ा हुआ है, याद होना चाहिए. अगर नहीं याद है तो आई एम रिपीटिंग हियर, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक प्रोटीन के नाम पे भी जाना जाता है, क्योंकि ये वो प्रोटीन है जिसके कारण ही फर्दर हमारे लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी. अब कैसे होगी, तो यहाँ जो साइंस कह रहा है कि हिस्टोन प्रोटीन बना, वो हिस्टोन प्रोटीन ये एक पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल यहाँ पे बन गया, और वही दूसरी तरफ ये भाई साहब कौन, न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है. नाउ व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड इज, मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, जब ये चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी तब और डिटेल बताऊंगी. दैट इज डीएनए एंड आरएनए, ये नाम सुना होगा ना, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड. सो न्यूक्लिक एसिड वर्ड कैसे आया, क्या हुआ, इसकी भी पूरी बहुत अच्छी स्टोरी है, बट इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो दैट इज व्हाट, जेनेटिक मटेरियल. तो जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में यहाँ पर प्रेजेंस में ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अमीनो एसिड से प्रोटीन्स फॉर्म हुए, हिस्टोन प्रोटीन बना, तो बायोलॉजिकल साइंस कहता है वही दूसरी तरफ क्या बन गया, डीएनए बन गया, अनदर बायोमोलिक्यूल दैट इज डीएनए. कैसे बना, क्या बना, वो मैं आगे बताती जाऊंगी. और जब ये दोनों मिले, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन आपस में फ्यूज हुए, तो उन्होंने बनाया क्रोमेटिन फाइबर्स. क्या बनाया, क्रोमेटिन फाइबर्स. अब ये तो सुना हुआ है, याद है कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं. तो एक्चुअली क्या है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स जब बने बहुत सारे और वो आपस में जुड़े, तब उन्होंने बना दिया क्रोमोसोम्स को. ठीक है, किसको बनाया, क्रोमोसोम्स को. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले बने, ऐसा कहा जाता है कि उनके क्रोमोसोम्स फॉर्म हुए, फर्दर उसी क्रोमोसोम की मदद से क्या हुआ, सेल डिवीजन, सेल साइकिल. तो एक उसके पहले क्या हुआ, सेल का फॉर्मेशन. जब ये क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम से मिलके बन गया क्या, न्यूक्लियोलस, या ये कहा जाए कि क्या बना, न्यूक्लियस बना. ठीक है, न्यूक्लियस बना और न्यूक्लियस से बन गया क्या, साइटोप्लाज्म. ये वर्ड सबके लिए कुछ नए नहीं होने चाहिए, हमने 9th में भी पढ़ा है, 8th में, 9th में, 10th में पढ़े हैं. न्यूक्लियस क्या होता है वो पता है. फिर साइटोप्लाज्म में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स. ये आप नोट डाउन करें तो आपके लिए इजी होगा. सेल ऑर्गेनल्स आर व्हाट, ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, ऐसे सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं. डिफरेंट गॉल्गी बॉडी है ना, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं. तो जब ये साइंस ये कह रहा है कि जब अर्थ फायर बहुत ही धीरे धीरे ठंडी होती गई, ठंडी होने के बाद में जो केमिकल्स फॉर्म हुए, जो रॉ मटेरियल में से केमिकल्स बने, उन केमिकल्स में से वो बेसिक केमिकल्स जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस, ये बेसिक बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं, इनसे मिलके पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल फॉर्म हुए. बायोमोलिक्यूल्स आर व्हाट, वो कंपोनेंट जो ऑर्गेनिक इन नेचर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, वो जो सब कार्बन से मिलके बने हों. ठीक है, यानी कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ फ्यूज हुआ हो और उसने कुछ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स बनाए हो, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स. तो वो बायोमोलिक्यूल कितने हैं, इतने सारे हैं, कार्बन, प्रोटीन, फैटी एसिड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, मिनरल्स. तो इस चैप्टर में इनके बारे में सब में पढ़ेंगे. तो साइंस ये कह रहा है हिस्ट्री बेस पे कि भाई जो लाइफ डेवलप हुई वो इस तरह से हुई कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में उस टाइम पे, और आज भी जैसे नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, तो कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज हुई, टेम्परेचर डाउन हुआ है ना, मॉइस्चर बनाया, कुछ एसेप्टिक कंडीशंस आई जिसमें नाइट्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ फ्यूज हुआ, आई एम सॉरी, और फ्यूज होने के बाद अमीनो एसिड्स को उसने फॉर्म किया. एक और चीज बताती हूँ, अमीनो एसिड क्या है, 20 अमीनो एसिड्स है टोटल जो नोन है अभी तक, पर बेसिकली 22 है. टू ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनको हम अभी कंप्लीटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, तो वैसे तो 22 भी बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली जो मेन आइडेंटिफाइड है दैट इज 20 अमीनो एसिड्स है जो अलग अलग स्पीशीज में, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में है. ठीक है, सब में है. सो अमीनो एसिड अलग अलग फ्यूज हुए और उन्होंने एक बेसिक प्रोटीन बनाया, वो क्या प्रोटीन था, हिस्टोन प्रोटीन. वो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ फ्यूज हुआ, डीएनए कैसे बना वो आगे बाद में इस चैप्टर पढ़ेंगे, और उन दोनों ने मिलके बनाया क्या, क्रोमेटिन फाइबर्स. और सारे अलग अलग क्या क्रोमेटिन फाइबर्स फ्यूज हुए और उन्होंने बना दिया
क्रोमोसोम. क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, कैरियर ऑफ ऑल जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर सेल. तो उसी क्रोमोसोम के फर्दर डेवलपमेंट एसेप्टिक कंडीशन में होते गए, तो उसका न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस के बाद में साइटोप्लाज्म यानी सारे सेल ऑर्गेनल्स बने, और वो सेल ऑर्गेनल्स ने और सबने मिलकर बना दिया है क्या, सेल. ठीक है, तो ये सेल किसने आइडेंटिफाई किया था, अगेन 8th standard 9th standard क्वेश्चन. सेल वॉज आइडेंटिफाइड बाय, आंसर आप सबके दिमाग में होना चाहिए, जिसको आ गया है वेरी गुड, नहीं आया कोई बात नहीं बताती हूँ. सेल वॉज आइडेंटिफाइड बाय रॉबर्ट हुक है ना, रॉबर्ट ब्राउन है क्या, नहीं ना, रॉबर्ट ब्राउन किसको किसको बताया था, न्यूक्लियस बताया था, है ना, वो बाद में रिसर्च हुई थी, बट पहले किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने सेल बताया था इन द ईयर ऑफ 1665. दिस वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, क्योंकि यहाँ पे हम ये बता पाए थे, एक स्टेटमेंट दिया जाता है दैट इज सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब फर्दर ये सेल से और रिसर्च होती गई, साइंस ने डेवलपमेंट किया कि सेल से अलग अलग टाइप के सेल बने, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स बने. ठीक है, और इन्होंने अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया, ये हमको पता ही है, हम डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ने मिलके बनाया क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज. अगर आपको याद हो तो ये हमने 9th standard में भी पढ़ा है और 11th standard में भी पढ़ा है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज ने मिलके बना दिए क्या, ऑर्गन्स. राइट, और ये सारे ऑर्गन्स ने मिलके बना दिया एक ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम ने बना दिया ऑर्गेनिज्म. राइट, और ऑर्गेनिज्म ने मिलके बना दिया क्या, ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं. अलग अलग टाइप के लोगों ने मिलके अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन और फर्दर एक सोसाइटी डेवलप हो गई, जिसमें इंडिविजुअल सोसाइटी में इंडिविजुअल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते थे. क्लियर है, तो ये एक चार्ट समझ में आया, ये चार्ट जो ना ये आपका पूरा 11th और 12th का सिलेबस है बॉस. 11, 12 के जितने भी चैप्टर पढ़ने वाले हो ना, वो सब इस फ्लो चार्ट में ही है. ठीक है, जैसे 11 में हमारे चैप्टर्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट चैप्टर क्या है, द लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड पे हमें क्या करना है, वही 9th का जो डाइवर्सिटी वाला है उससे थोड़ा सा हट के है चैप्टर, पर उसमें कुछ चीजें एड ऑन हुई हैं. तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके फीचर्स, फिनोमिनास और कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उनको किस क्लास में, जीनस में, स्पीशीज में और फैमिली में या किंगडम में स्प्लिट किया हुआ है. ठीक है, तो अलग अलग जितने भी आइडेंटिफाई हुए लिविंग स्पीशीज अभी तक, वो हम वहां अरेंज करेंगे. जब वो सारे अरेंज हो गए उसके बाद में हमारे चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि सेल. अगेन सेल चैप्टर है आपको 11th में, सेल के बाद में आपको टिश्यूज वाला चैप्टर भी है, फिर आपके उसके बाद में सेल साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अब आप 11th standard में सीखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कोई भी सेल डिवाइड कैसे होता है, वो उस चैप्टर में पढ़ेंगे. फिर उसके बाद वहां से वो रिप्रोडक्शन जब हो रहा है तो फिर वो ऑर्गन्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, कोई नई स्पीशीज जो बन रही है वो ऑर्गन बन के ऑर्गन सिस्टम्स. आपको ये 12th में भी है, 11th में भी पोर्शन में है, हमारा पूरा फिजियोलॉजी वाला पार्ट है. आप सेक्शन अगर पार्ट 2 सेक्शन खोलोगे तो पार्ट 2 सेक्शन के अंदर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो है, यानी पूरी फिजियोलॉजी आपको ह्यूमन की कंप्लीट पढ़नी है. उससे आपको आइडिया लगेगा पूरे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं. और ये तो हुआ कौन सा, जूलॉजी वाला पोर्शन. ठीक है, जूलॉजी में ये सारे चैप्टर्स हुए, वहीं ये सारी चीजें एज इट इज है किसमें, बॉटनी में भी. तो बॉटनी में भी आपके अंदर भी आपको यही सारी चीजें आएंगी कि प्लांट सेल कैसे होते हैं, प्लांट के टिश्यूज कैसे होते हैं, प्लांट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैसे होती है, प्लांट में कौन कौन से सिस्टम कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है, कैसे प्लांट ऑर्गेनाइज है, कौन कौन सी क्लास में है, ये सारा सिलेबस है आपका 11th और 12th का. सो आई होप इस मेरे इस लेक्चर के इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आपको अभी तक ये क्लियर हो गया होगा कि ये 2 साल तक बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है. और अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे डेफिनेशंस, सारे पॉइंट्स बिल्कुल प्रॉपरली गो थ्रू कर लिए, सो आई एम टेलिंग यू दैट आई प्रॉमिस यू आप इन सारे थ्योरीज को कवर करके जितने मैक्सिमम MCQ सॉल्व करेंगे आपके कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे और आप नीट का एग्जाम जरूर क्रैक करोगे.
ठीक है डाने जी. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बायोलॉजी राइट. नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज एज आई टोल्ड यू लिविंग वर्ल्ड. बिफोर स्टार्टिंग दैट लेक्चर इज माय काइंड रिक्वेस्ट जस्ट पॉज देयर वीडियो एंड नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स एंड रिवाइज दिस फ्लो चार्ट. सो आपका ब्रेन में एक फ्रेमवर्क बन जाएगा कि कौन सी चीज किससे लिंक्ड है, क्या किसके बाद आ रहा है, किसको कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. ओके तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. थैंक यू. ओके सो वी विल स्टार्ट विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, सिंपली कि अर्थ कैसे बनी, अर्थ पे लाइफ कैसे आएगी, ठीक है. और अब हम स्टडी कर रहे हैं कि बायोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है इस चीज को समझने के लिए हम बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं जूनियर सेक्शन से. हम कैसे सिंपल बोलते हैं, दोज कैन मूव, दोज कैन रिप्रोड्यूस, है ना, दोज कैन कंज्यूम देयर फूड, तो वो लिविंग है. जो मूव नहीं कर सकती वो नॉन लिविंग है ना. ऐसे हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का डिफरेंस जानते हैं, ठीक है. लेकिन अगेन यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, सो यहाँ पर बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए उनको कैरेक्टराइज किया हुआ है, ठीक है. तो आपको बेसिक ये 6 कैरेक्टरिस्टिक आप जिस किसी भी मैटर में या ये कहा जाए कि मटेरियल में अर्थ पे प्रेजेंट जो मैटर है उसमें देखते हो, तो अगर ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स वो दिखाते हैं तो वो लिविंग है, ठीक है. एंड दिस इज अगेन अ टर्मिनोलॉजी. सो नाउ यू हैव टू स्टडी टर्मिनोलॉजिकली बिकॉज आपको जो भी एमसीक्यूज आएंगे या बोर्ड में भी जो क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन जरूर आता है आपको. ये 2 मार्क में या 3 मार्क में आपको पूछा जा सकता है स्कूल के एग्जाम्स में भी और फर्दर इन चीजों में. तो आपको पॉइंट वाइज किस टर्म में यूज करना है, क्या वर्ड यूज करना है, इस पे जरूर ध्यान देना है. तो जैसे मैं एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करूंगी आपको मैं टाइम दूंगी, आप तब तक लेक्चर आप इस वीडियो को पॉज करके इन सारी चीजों को नोट डाउन करेंगे, ठीक है. हम हमारे पैरेलली नोट्स बनवाते जाते हैं, ठीक है. तो नोट्स भी आपको साथ में बनाना है ताकि उसको जब आप रिवाइज करो तो समझ पाओ. सो अपन स्टार्ट करते हैं. बेसिकली एनिमेट्स अगेन व्हाट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. सबसे पहले ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. सिंपल वर्ड सुन के समझ में आ रहा है कि वो जो ग्रो कर सकते हैं वो एनिमेट्स हैं या लिविंग है. कैसे, क्या ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करते हैं ने, दे इंक्रीज इन मास एंड इंडिविजुअल सेल्स. हम ये जानते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना है, सेल से मिलके बना है. तो वो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मास में भी बढ़ रहा हो और उसके अपने इंडिविजुअल सेल्स का काउंट भी बढ़ रहा हो वो क्या कहलाएगा, लिविंग कहलाएगा. उस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलेंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो. क्लियर. सेकेंड वन रिप्रोडक्शन, बहुत सिंपल है हम पढ़ते आ रहे हैं रिप्रोडक्शन क्या, लेकिन उसको कैसे लिखेंगे. ऑल मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर न्यू इंडिविजुअल्स. जब वो अपने नए स्पीशीज, नए इंडिविजुअल, नए ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन. तो जो कोई भी एनिमेट है दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है. थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म, इट्स अ न्यू टर्मिनोलॉजी. अब क्या है, हमारी जो बॉडी है वो कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म कर रही होती है. हमारे यहाँ पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो, प्लांट्स की बात करो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करो, एनिमल्स की बात करो, ह्यूमन की बात करो, हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन चल रही है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है. वो बायोकेमिकल रिएक्शन किससे हो पा रही है, बायो मॉलिक्यूल्स से. कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर अपन अमीबा की बात करें तो हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में. उसमें हमने क्या देखा था, अमीबा क्या कर रहा है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करके अपने फूड को एनगल्फ कर रहा है. एनगल्फ करने के बाद उसके साइटोप्लाज्मिक जोन में वहां डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है. वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या थे, अमाइलेज एंड पेप्सिन काइंड ऑफ एंजाइम. अमीबा में ये बेसिक एंजाइम्स होते हैं एज अ डाइजेस्टिव एंजाइम और वो उसके फूड को डिग्रेड कर रहे थे और फूड को उसने एब्जॉर्ब किया, फर्दर एक्सक्रीट कर दिया जो भी वेस्ट था, अनडाइजेस्टेड फूड था और एनर्जी का प्रोडक्शन करा लिया. याद है वो डायग्राम, याद आया, 5 स्टेप थी, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन, राइट. वहीं प्लांट की बात करें तो अभी सॉरी वापस जाते हैं, तो अमीबा में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन सी हुई, वही फूड का जो एब्जॉर्प्शन हुआ, न्यूट्रिशन इन अमीबा, दैट इज अ मेटाबॉलिज्म. उसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन. प्लांट में बात करें तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है.
टेन का फोटोसिंथेसिस याद है कैसे होती है? रिएक्शन कौन कराता है? क्लोरोप्लास्ट कराता है। कितने टाइप की होती है? डे और नाइट दोनों दो फेज में होती है। तो उन दोनों के अंदर भी वहां पे क्या हो रहा था? NADPH, ATP, ADP मॉलिक्यूल यूज हो रहे थे, ग्लूकोज यानी बन रहा था जो उनका ग्लूकोज से मिलके जो उनका कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट जो थे सेल्यूलोज है वो सब बन रहा था एज अ फूड, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो रहे थे। तो वो जो रिएक्शन है वो भी क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन है। हमारी बॉडी की बात करें तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन था 10th में हमको, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, जिसमें अगेन माउथ में अमाइलेज एंजाइम है तो वो डाइजेशन कर रहा है कार्बोहाइड्रेट का, स्टमक में भी है पेप्सिन है जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म थे। तो ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं जो किसी भी केमिकल कंपोनेंट को यानी कि बायोमोलिक्यूल को डिग्रेड करके फर्दर एनर्जी प्रोडक्शन में काम करे, हेल्प करे, वो सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिक। ये मैंने एग्जांपल आपको डाइजेशन का दिया है, इसमें रेस्पिरेशन भी आता है, इसमें एक्सक्रीशन भी आता है, इसमें सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट भी आता है, जितनी भी इक्वेशंस चल रही हैं, क्रेब्स साइकिल भी आता है जो आपको अब पढ़ना है 11th स्टैंडर्ड में। तो ये सारी चीजें आती हैं मेटाबॉलिज्म में। सो वो एनिमेट्स दोस कैन कंडक्ट दिस बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन, दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोर्थ वन, लिविंग बींग्स हैव अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वट एवर एनिमेट्स आर देयर दे हैव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। एज वी नो ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, सो इफ वी टॉक अबाउट अ प्रोकैरियोटिक सेल दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल स्ट्रक्चर, राइट? दोज आर माई शिखा स्टूडेंट्स, दे मस्ट हैव बीन कंडक्टेड द प्रैक्टिकल ऑल्सो। हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं जिसमें हमने सेल बनाया है, स्लाइड्स में आइसोलेट किया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल देखे हैं, जिनकी सेल वॉल भी देखी है। ये सारे प्रैक्टिकल्स हम करते हैं ना शिखर में, तो आप अभी जब अपना रीओपन होगा तो वापस वो सारे प्रैक्टिकल्स हम कंडक्ट करेंगे। तो वहां पर अगर बात करें तो बैक्टीरियल सेल का भी एक पर्टिकुलर टाइप है, हमने पढ़ा हुआ है कैसे रॉड शेप होते हैं, कोकाई शेप होते हैं, तो अलग अलग शेप होते हैं, तो वो भी एक सेल है। प्लांट में बात करें तो प्लांट सेल का अपना एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल में भी अलग अलग सेल्स हैं। सो अगर कोई एनिमेट है वो अलग अलग तरीके से के सेल से मिलके बना है, पहले तो वो एक सिंपलेस्ट सेल है और उसी से फर्दर नए सेल डेवलप होकर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। सो कन्वर्जेंस स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंपल सेल टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट फिनोमेना कम्स इन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड दोस कैन डू दिस, दे आर alive, they are animate, they are living organism. Next one, all living organism has consciousness. This is a very important point, okay? Consciousness means what? Those can sense. Non-living things can sense, cannot sense, है ना? ऐसा तो नहीं ना, अलमीरा है या फिर वो वुड है और आपकी टेबल है तो वो सेंस कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारे आसपास कोई है, नहीं ना? हम सेंस कर सकते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस कर सकता है। सेंस यानी टू रिकॉल और टू अंडरस्टैंड द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, कि भैया अब अगर टेम्परेचर ज्यादा होने लगा, गर्मी लग रही है तो हम भैया फैन चालू कर लेंगे, एसी चालू कर लेंगे, ठंड लग रही है तो हम स्वेटर पहन लेंगे, सो दैट वी कैन सेंस एंड वी अडॉप्ट दैट क्लाइमेट। सो प्रॉपर्टी ऑफ सेंस द सराउंडिंग एंड अडॉप्टिंग दैट क्लाइमेट टू सर्वाइव, दैट कम्स इन consciousness. So those animals or those living organisms can sense, they should be conscious about themselves. So they are animates or living organism. Last but not the least, that one is interacting biological system. This is the most important property of a living organism. Kaise? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर हम बात करते हैं, हम अर्ली मैन से बात करें या उसके पहले भी जो लाइफ थी, जो हम बोलते हैं डायनासोर्स थे, फिर वो गए, फिर नए एनिमल्स और स्पीशीज बने, जो हमने इवोल्यूशन वाला चैप्टर 10th में पढ़ा है उसमें भी हमने पैटर्न देखा कि कैसे नई स्पीशीज बनती है एटमोस्फेरिक कंडीशंस के कारण भी, कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण भी जेनेटिक चेंज आते हैं, है ना, और वो फिर एक नई स्पीशीज को डेवलप कराती है। लेकिन यहाँ इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? इंटरैक्टिंग बायोलॉजिकल सिस्टम मैंने, दोज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे शुड हैव दीज फोर प्रॉपर्टीज। नंबर वन, दे कैन सेल्फ रेप्लिकेट। अभी जैसे आप जहां भी बैठे हैं और ये लेक्चर जो सुन रहे हैं, आपकी बॉडी के जो सेल है ना वो रेप्लिकेट हो रहे हैं, रेप्लिकेट है ना, वो डिवाइड हो रहे हैं, यू नो दैट कॉन्स्टेंट सेल डिविजन चल रहा है आपकी बॉडी में, तभी तो आप ग्रो कर पा रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है कि आप बोल रहे हो आज हाथ को, भाई आज सिर्फ तुम रेप्लिकेट करना और दूसरा बॉडी का सेल नहीं करेगा, डिड यू कैन कंट्रोल इट? नो, है ना। सो इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग इट, सो दे आर डूइंग देयर ओन। सो दोज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे हैव अ
very nice property that they can do their cell divisions. So they can replicate 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे number of cell खुद बना पाते हैं. Second one, evolution. They can evaluate a new characteristic. जैसे early man से हम बने है ना, early man की जो structures को study करो तो उनमें और हमें बहुत differences है. बराबर, हम किसे एक और हमारी कौन है. और से अगर हम बात करें तो मंकी से डेवलप है, चिंपांजी से डेवलप है, ऐसा बोला जाता है. They must be having a tail जो हमारी नहीं है, but we have a tailbone also in our backbone. लेकिन वो useful नहीं है, हमारी कोई tail नहीं होती. लेकिन ये क्या हुआ, evolutionary characteristics. Even हमारी body में और भी दूसरे ऐसे organelle part हैं जो useful नहीं है, but वो क्या है, जब पहले की बात की जाए तब वो developed थे. So such kind of evolution characteristics comes as evolution, evolving. Next one is self-regulating. Those can regulate themselves. Now what do you mean by regulation? Regulation in the sense कि भाई जब अभी आपने, अभी तो वैसे भी सब घर में हैं, तो हम सुबह का खाना खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं, फिर और भूख लग रही है, मम्मी थोड़ा सा और नाश्ता दे दो, कुछ भी है ना, हम लोग खाते जा रहे हैं. लेकिन इसके अलावा, ये तो सिर्फ खाने की बात हुई, इसके अलावा हम किसी भी एक जगह से दूसरी जगह गए है ना, क्लाइमेट चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो हमने उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लिया. सिंपली अगर बात करें, अगर हम अब्रॉड जाते हैं, ठीक है, अब तो अभी बहुत टाइम तक कोई जाएगा नहीं, आई विश, कोरोना ने इतना डरा दिया है, लेकिन फिर भी अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, वहां डे है यहाँ नाइट है, तो ये डिफरेंस है, या फिर वहां नाइट है तो यहाँ पर डे है, ये डिफरेंस है. तो जब आप वहां जाते हैं तो इवन स्लीपिंग पिल्स भी होती है जो हम खाते हैं, और 2 से 3 दिन हमको लगता है वहां के एटमॉस्फेयर में स्टेबल होने के लिए, कि वहां के डे टाइम के अकॉर्डिंगली हमारी नाइट कंप्लीट हो. सो सच काइंड ऑफ चेंजेस, ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, हमारी बॉडी खुद एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रही है. तो उस चीज को, वो पैरामीटर को होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, एंड दे कैन डू देमसेल्व्स. एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नली स्टिमुलाई. नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई ये ऑलमोस्ट रिलेटेड ही, कोरिलेट ही करता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजें हो जाती है. जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे कितने सारे स्टेट्स हैं, और सबकी अपनी अपनी लोकेशन है, और सबका अपना इंडिविजुअल क्लाइमेट है, राइट. तो उस पर्टिकुलर क्लाइमेट जोन में रहने वाले जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने अपनी उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली खुद को स्टेबलाइज किया हुआ है, ठीक है, वो स्टिमुलेट कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं. जहां अगर आप अपन ऊपर की साइड जाए तो वहां जब बहुत ठंडी है, ये ना कूल टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां के रिस्पॉन्डिंग बॉडी वैसी है. वहां के लोग आपको थोड़ा गोरे गोरे ज्यादा दिखेंगे, है ना, ठंड के कारण उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती, क्यों करती है, जब अपन वो चैप्टर पढ़ेंगे अभी तब मैं अच्छे से समझाऊंगी, जब सारे सिस्टम्स आएंगे स्टडी के लिए. ऐसे बहुत सारी नई नई चीजें तुमको जानने को मिलेंगी. सो दीज आर द बेसिक 6 कैरेक्टरिस्टिक्स विच शोज दैट अ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट्स अ एनिमेट, इट्स नॉट एन इनएनिमेट, ठीक है. आई विश आपको सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ हो, प्लीज इसको नोट डाउन करिए, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं. ओके, नोट कीजिए. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी. अब इस चैप्टर की काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है. फर्स्ट हमने पहले ये देखा, समझा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है. अब इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के सारे साइंटिस्ट ये सारी चीज़ें ढूंढने में लग गए कि एग्जैक्टली अर्थ पर कितने टाइप के स्पीशीज हैं, स्पीशीज या कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं. तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर डेटा है विच इज मैजिकल, और आपको ये सब याद रखना है क्योंकि इस पे भी MCQs पूछे जाते हैं, ठीक है. इसके बाद मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगी जिनमें अब हम बेसिक पैरामीटर स्टडी करेंगे कि हमने इन सभी को अरेंज कैसे किया, ठीक है. तो पहले तो हम ये समझें कि एग्जैक्टली आज तक की डेट में हमें क्या क्या पता है, ठीक है. बायोलॉजिकल साइंस बहुत मजेदार है, बहुत क्रिएटिव है, आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है कि आप कुछ नया कर सकते हो, ठीक है. मैथ्स बेस पे 2+2=4 है, हमें पता है, फिक्स है. बायोलॉजी में मिस्ट्री है, जो पता है वो कितना पता है, और हर बार वो कुछ नया होगा, और जो नया होगा उससे और पता नहीं क्या होगा, ठीक है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अगर आप इंटरेस्ट लेके डेवलप करें. जैसे अभी कोरोना के बारे में पता चला कि नहीं पता चला, तो अगेन इट्स अ न्यू वन, राइट,
न्यू स्पीशीज, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, चलो उस पे बाद में आते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगेन 9th क्लास को याद करिए, ये चैप्टर बड़ा खतरनाक था और बहुत मुश्किल से सबने याद किया होगा। मैं आपकी सबकी भावनाएं अच्छे से समझती हूँ। उस टाइम पर टर्म्स को याद करना मतलब पर अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आप 11th स्टैंडर्ड में आपका दिमाग भी बढ़ गया है, तो अब आप वो चीजों को बहुत अच्छे से और इजीली समझ के लर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये देखा गया कि एग्जैक्टली कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सो यहाँ देखिए, मैंने कुछ डेटा आपके साथ शेयर किया है। अप्रॉक्स 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज आर अवेलेबल राइट नाउ, दोज वी नो, जिनको हम जानते हैं। अप्रॉक्स अभी तक का साइंस जो स्टडी कर चुका है उसमें हम 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज के बारे में जानते हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि पूरा जानते हैं, बट हाँ इतना जानते हैं कि वो क्या क्यों कैसे काम करते हैं। और उसका एक मैंने आपको सेपरेटली एनालिसिस दिया है। अबाउट 1.2 मिलियन आर एनिमल स्पीशीज, जिस पूरे में से 1.7 टू 1.8 में से 1.2 जो है वो एनिमल स्पीशीज हैं। अभी तक कितने एनिमल्स के बारे में हम जान चुके हैं। 0.5 मिलियन आर प्लांट स्पीशीज, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि जूलॉजी में काफी इंटरेस्ट होता है सबको, बॉटनी में थोड़ा कम होता है, बट स्टिल राइट नाउ अपडेटेड डेटा आर ऑल्सो अवेलेबल, बट स्टिल इट्स इन पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन दैट 0.5 मिलियन प्लांट स्पीशीज आर नोन। सिंगल ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स की कैटेगरी एक आती है ना, हमने डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, उनके अंदर हमने अप्रोक्सीमेटली अभी तक 1.025 मिलियन स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया है। अभी तक हम इतने ही पता कर पाए। और हर साल, सबसे मजे की बात है, हर साल जो अभी रिसर्च चल रही है करंट में, हर कंट्री में अलग अलग रिसर्च लैब्स हैं, बहुत सारे पर्सन है जो सर्च कर रहे हैं, और अप्रोक्सीमेटली 15,000 डिफरेंट स्पीशीज को हम हर साल स्टडी कर पाते हैं। अब उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ गए हैं, एनिमल्स भी आ गए हैं, प्लांट्स भी आ गए हैं, इंसेक्ट्स भी आ गए हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसर्च चल रही होती है। तो एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें हर बार अगर कोई एक नया कैरेक्टरिस्टिक मिलता है तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और नॉमिनेट करते हैं। अब बाकी जितनी भी आज की डेट में अगर बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो जो बायोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट मतलब जो बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, बायोलॉजिस्ट का ये कहना है कि अभी भी अर्थ पे, अगर हम सिर्फ अर्थ की बात करें, अर्थ का भी जितना एरिया हमने अभी पता है हमें, जो नहीं पता उसकी बात नहीं हो रही है, जिसके बारे में हमें पता है उसमें से 5 to 30 million स्पीशीज अवेलेबल हो सकती है। इमेजिन, अभी तक हमें सिर्फ कितने पता है, 1.7 टू 1.8 मिलियन, बट जो बायोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि अर्थ पे ही हम बात करें तो अभी भी हमारे हमें 5 टू 30 मिलियन स्पीशीज में जाके बारे में जानना बाकी है बॉस। तो आपके लिए तो बहुत बड़ा एक्सपोजर है, यू कैन डू मिरेकल्स बॉस, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट को बहुत गो थ्रू करो, प्रॉपरली पढ़ो, सो यू कैन डू वेरी नाइस थिंग्स, ठीक है। तो ऐसा आपके लिए एक्सपोजर अवेलेबल है, और जो बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि इतने के बारे में जानना बाकी है, लेकिन अभी बचा हुआ जो भी है, ये जो इतनी स्पीशीज अब हैं अगर जिनके बारे में हमें पढ़ना है, वो कहाँ पे अवेलेबल है, वो बेसिकली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया में है, ट्रॉपिकल सी एरिया है जो अवेलेबल है अभी भी अर्थ पे, जिस तक हम अभी पूरी तरह नहीं पहुँच पाए। तो अगर हम वहाँ पे जाएंगे, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो हमें और नए तरह की डिफरेंट स्पीशीज पता चल सकती हैं, जो हार्मफुल है कि यूजफुल है, वो सारी चीज़ें भी देखी जा सकती हैं, ठीक है। सो दिस इज वॉट बायोडाइवर्सिटी, जस्ट नोट डाउन ऑल दोस थिंग्स, सो वी जस्ट स्टार्ट विद अवर अनदर टॉपिक। ओके, पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने अर्थ कैसे बनी, लाइफ कैसे आई, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमने देखा, सारी चीज़ें समझी, और हमने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को स्टार्ट किया, उसके बेसिक पॉइंट स्टार्ट किए, कैरेक्टरिस्टिक देखे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव क्यों, किन पॉइंट ऑफ व्यू पे बोला जाता है, फिर वो डाइवर्सिटी वाला पॉइंट हमने किया, और अब मेन स्टार्ट हो रहा है हमारा टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हिस्ट्री हर चीज़ की याद रखनी चाहिए। आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस कारण जो नई रिसर्च कर पा रहे हैं, नए नए इन्वेंशन अडॉप्ट कर पा रहे हैं, वो किसी ने तो बनाई है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा बायोलॉजी भी की हिस्ट्री, हर चैप्टर की हिस्ट्री, मेरे पढ़ाने का तरीका ज़रा डिफरेंट है, मैं उस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले उसकी हिस्ट्री पूरा पढ़ाती हूँ, और वो आपको भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। जब तक आपको किसने क्या काम किया ये याद नहीं होगा, तब तक कोई
सेंस नहीं है ना टॉपिक को पढ़ने का, फिर वो तो सिर्फ रट्टा मारने वाली बात हो गई. ठीक है, सो जस्ट अंडरस्टैंड. ओके, सो अपन स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसका सबसे पहला पार्ट है दैट इज हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. एक कॉमन क्वेश्चन सबके दिमाग में आता भी है, मुझसे कई सारे बच्चे ये बात बार बार बोलते भी हैं कि मैडम हम जब पढ़ते हैं तो इतनी सारी हिस्ट्री दी हुई है, साइंटिस्ट के काम के बारे में बताया हुआ है. इनमें अधिकतर साइंटिस्ट, मैक्सिमम साइंटिस्ट हमें इंडियन नहीं मिलते, फॉरेनर ही होते हैं. ठीक है ना, अदर कंट्री के जो है उन्हीं लोगों के एक ही रिसर्च है. तो क्या हमारे इंडिया ने कभी कुछ नहीं किया था? क्या इंडिया के थ्रू कोई रिसर्च नहीं हुई थी? क्या इंडिया तब डेवलप नहीं था? तो ऐसा नहीं है, है ना. मैं आपको हर चीज में, हर चैप्टर में सबसे पहले इंडिया के एफर्ट्स बताऊंगी और उसके बाद फर्दर, क्योंकि जैसा कहा गया है कि हमारे वैदिक शास्त्र में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई जिसे अडॉप्ट करके फर्दर और रिसर्च की गई है, तो ये उसका एक एग्जाम्पल है. तो हम इस चैप्टर की स्टडी करने के पहले हिस्ट्री, इंडियन लिटरेचर की हिस्ट्री पहले पढ़ेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस इंडियन लिटरेचर स्टडी को कैसे फॉरेनर स्टडी के थ्रू अडॉप्ट करके फर्दर आगे बढ़ाया गया. ठीक है, सो जस्ट सी, इन द ईयर ऑफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2500 BC टू 650 BC, इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे वैदिक लिटरेचर ने, जो हमारे इंडियन वैदिक लिटरेचर इन द सेंस जो वैद लिखे जाते थे, बुक्स आप समझ लो, है ना, क्योंकि पहले तो कंप्यूटर था नहीं तो सारी चीजें लिखी जाती थी, तो उन्हें वैद बोला जाता है, ग्रंथ बोला जाता है. तो उनमें एक्सप्लेन किया गया है कि तब हम लोगों ने, इंडियंस ने 740 प्लांट्स आइडेंटिफाई किए थे और 250 एनिमल्स की स्पीशीज आइडेंटिफाई कर ली थी. तब भी जो हमारा बायोलॉजिकल साइंस काम कर रहा था तो उसमें हम इतने स्पीशीज के बारे में जान चुके थे इंडियन लिटरेचर के अकॉर्डिंगली. तो वो कौन लोग थे और किसके थ्रू हमें ये सब पता चला? ठीक है, तो सबसे पहले उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन से वेद में देखा गया, कौन से ग्रंथ में देखा गया, उसका नाम था, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेरे साथ में पढ़ते जाना, दैट इज चंद्रयोग उपनिषद. ये चीज ध्यान रखना है कि उस टाइम पे भी हमारे यहाँ संस्कृत लैंग्वेज का काफी इंपॉर्टेंस था. ठीक है, तो आपको काफी सारी टर्मिनोलॉजी संस्कृत के वर्ड में मिलेगी, आपको नॉर्मल हिंदी में नहीं मिलेगी. ठीक है, और ये चीजें याद होनी चाहिए, सब कुछ आपको नोट डाउन करना है, हमेशा पता होनी चाहिए. तो सबसे पहला जो ग्रंथ हमारा देखा गया या लिटरेचर देखा गया वो था कौन सा, चंद्रयोग उपनिषद, जिसमें सिर्फ एनिमल्स के बारे में बेसिकली बताया गया था. ठीक है, अब एनिमल्स के बारे में बताया गया तो एनिमल्स को उन्होंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था, तीन पार्ट में. देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, फर्स्ट वन इज जीवाजा, नाम थोड़े डिफरेंट है ठीक है, पर याद रखना है आपको, दैट इज जीवाजा. अनदर वन इज अंदाजा, अनदर वन इज उद्भिजा. क्या है? जीवाजा, अंदाजा एंड उद्भिजा. सो जीवाजा मीन्स विवीपोरस, विवीपोरस यानी मैमल्स. ये दोनों टर्म तो सुनी होगी ना, विवीपोरस और मैमल्स तो पता है ना, तो उसी का इंडियन लिटरेचर लैंग्वेज में उसको क्या बोला गया था, जीवाजा. फर्दर कौन आया, अंदाजा, दैट इज ओवीपोरस. ओवीपोरस भी वर्ड हमने सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, दैट मीन्स बर्ड्स, इंसेक्ट एंड वॉर्म्स. एंड थर्ड वन इज उद्भिजा, दैट इज वेजिटेबल ओरिजिन. वेजिटेबल ओरिजिन इन द सेंस वो पर्टिकुलर एनिमल्स जो स्पेसिफिकली प्लांट्स पर बेस्ड हो, इंसेक्ट्स नहीं होते, प्लांट्स पे लग जाते हैं जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, या अलग अलग एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं. तो उस टाइम पर लिटरेचर ने उन एनिमल्स को अलग कैरेक्टराइज किया और उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे पाया, तो उसको क्या कहा गया, उद्भिजा बेस्ड, यानी वेजिटेबल बेस्ड एनिमल्स हैं जो सिर्फ वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हैं. तो ये हमारे सबसे पहले लिटरेचर में एनिमल्स पे स्टडी हुई और उसके बारे में उनको तीन क्लास में डिवाइड किया गया. उसके बाद फर्दर स्टार्ट हुई स्टडी पोस्ट वैदिक लिटरेचर अगर हम बोलें तो उसमें आया कौन सा, देखो सुश्रुता संहिता. क्या नाम है? सुश्रुता संहिता. ये हमारा दूसरा लिटरेचर था. वहां पर उन्होंने दो स्पेसिफिक कैटेगरी डिवाइड कर दी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और उनको किस बेस पे क्या नाम दिया गया, बड़े अच्छे अच्छे नाम है देखो, दैट इज स्थावरा. क्या है? स्थावरा. और दूसरा क्या है, पढ़ने की कोशिश करो, दैट इज जंगामा. ठीक है, स्थावरा है जंगामा, जिसका मीनिंग आज की डेट में अगर समझना हो तो क्या था, स्थावरा यानी इमोबाइल, यानी जो मूव नहीं कर सकते, जो एक ही जगह पे रहते हैं, फिक्स रहते हैं. और जंगामा मतलब मोबाइल, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, लोकोमोट कर सके. क्लियर है? तो ये दो पार्ट में इस सेकेंड पर्टिकुलर लिटरेचर ने उसको डिवाइड किया.
और उन दोनों पार्ट के फिर सब पार्ट्स आए। तो पहले हम यहाँ पे देखना ध्यान से, मैंने दो टेबल फ्लो चार्ट बनाए हैं, एक इस साइड बनाया है और एक ये नीचे बनाया हुआ है। तो ये वाला किसका है, इमोबाइल में कौन आते थे, प्लांट्स। उन्होंने किस में रखा, इमोबाइल में किसको रखा, प्लांट्स को। तो प्लांट्स को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ये नाम जरूर तुमने सुने होंगे, यहाँ तक वाली संस्कृत समझ में आती है, दैट इज वनस्पति, है ना, सुना होगा ना, वनस्पति, देन वृक्षा एंड दिस वन इज औषधि। ठीक है, तीन नाम दिए उन्होंने किसको, सर्वा जो प्लांट इमोबाइल कैटेगरी रखी उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज वनस्पति, वृक्षा और क्या है, औषधि। तो अब उसमें वनस्पति में उन्होंने किसको लिया, वो जो फ्लावर बेस्ड प्लांट्स नहीं है, वो प्लांट जो फ्लावर ग्रो नहीं करते, ठीक है, उनके अंदर फ्लावर्स या पर्टिकुलर सीड्स डेवलप नहीं होते, तो उसको उन्होंने नाम दिया वनस्पति। दूसरा उन्होंने वृक्षा नाम दिया जिसमें फ्लावर और फ्रूट्स दोनों आते थे, जिसमें फ्लावर डेवलप होते थे, तो उसका नाम उन्होंने क्या रखा, वृक्षा। अब तीसरा नाम जो दिया औषधि, औषधि मतलब जो मेडिसिन का फॉर्म करते, जैसे अपने घर में होता है ना तुलसी, जिंजर, ये ना अदरक, ये सारे प्लांट है, हल्दी, ये सारे पेड़ जो हमें मेडिसिन फॉर्म में यूटिलाइज होते थे उस टाइम पे, उनको उन्होंने औषधि का नाम दिया। तो ऐसे प्लांट को हमने तीन पार्ट में वहां पर डिवाइड किया। अब इधर आ जाते हैं एनिमल्स पे, यानी मोबाइल वाले पोर्शन पे, मोबाइल फोन, मोबाइल नहीं, जो मूवमेंट कर सकते हो वो मोबाइल बेस्ड एनिमल्स जो थे, उनको उन्होंने चार कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, ये बहुत इजी नाम है जो अपन अभी तक पढ़ते आए हैं, पर देखो हमारे ग्रंथों में क्या नाम दिया गया था, दैट इज फर्स्ट वन इज कुलांकरा, व्हाट इज दिस कुलांकरा, दैट इज हर्बीवोरस एनिमल्स जो रिवर साइड आते थे, हर्बीवोरस यानी जो सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करते हो और अधिकतर रिवर के आसपास वाले एरिया में रहते थे, उनको उन्होंने नाम दिया दैट इज कुलांकरा। एग्जाम्पल बफेलो, काऊ, एलिफेंट, ऐसे एनिमल्स को यहाँ दे दिया। दूसरा उन्होंने नाम दिया दैट इज मत्स्य, मत्स्य यानी एक्वेटिक बेस एनिमल, जिसमें फिश को एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है जिसमें मछली आती है, उसको उन्होंने नाम दे दिया मत्स्य। थर्ड वन उन्होंने दिया क्या, यहाँ पे देखो जंघाला, बड़ा अच्छा नाम है, नहीं हंसी आ रही है सुन के, हंसने की जरूरत नहीं है, वो हमारी टर्मिनोलॉजी है, दैट इज जंघाला। उसमें क्या दिया, जंघाला यानी जंगली, वाइल्ड, तो उन्होंने क्या नाम दिया, वाइल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स, वो एनिमल्स जो प्लांट्स को ही खाते हो लेकिन वाइल्ड हो यानी जंगल में रहते हो, तो उन्हें उन्होंने उस कैटेगरी में रखा। डियर हुआ जैसे, तो वो जंगल में रहते थे, वो रिवर के पास में जब पानी की प्यास लगेगी तभी आएंगे, वो हमेशा वहां नहीं रहते थे, ऐसा उन्होंने उस टाइम पे सोच के ये क्लासिफाई किया। फोर्थ लास्ट वन दैट इज गुहास्या, गुहास्या यानी कार्निवोरस, वो जो सिर्फ मीट खाते हो, यानी टाइगर, लॉयर, कार्निवोरस आपको पता है अच्छे से कौन होते हैं, तो उनको उन्होंने नाम दिया गुहास्या। तो ये हमारा इंडियन लिटरेचर है, हिस्ट्री है लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर की। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया ने कुछ नहीं किया, हमारे इंडिया ने बहुत कुछ किया है। तो मैंने अभी आपको इंडियन लिटरेचर बताया है, अब हम आ जाएंगे जो हमारा ग्रीक लैंग्वेज बेस्ड लिटरेचर चलता है, जो चीजें आपको जाननी चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले हम उसमें पढ़े, मैं फिर से बताऊं, मैं अपने लेक्चर्स में बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, जो आपको आप इस सब्जेक्ट के लिए और ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, जो आपको जानना चाहिए। अगर आप अपने सब्जेक्ट को पूरी तरह जानोगे तो ही उसमें कुछ अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि इंडिया में कुछ नहीं होता, इंडिया में भी बहुत कुछ होता है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम सेकेंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए प्लीज। सो अभी तक हमने इंडियन लिटरेचर में देखा कि इंडियन लिटरेचर के थ्रू क्या क्या डेवलपमेंट हुए और क्या हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और अब हम देखेंगे ग्रीक स्कॉलर्स ने कैसे क्या क्या रिसर्च की थी और किस तरह से उन चीज़ों को क्लासिफाई किया था। तो ग्रीक स्कॉलर्स में सबसे पहले नाम आता है किसका, एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, आज की डेट में उन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन नीट में जरूर आता है, एमसीक्यूज में भी आता है, इवन बोर्ड्स में भी आएगा, क्योंकि अब बोर्ड का भी
पेपर पैटर्न क्या हो गया, चेंज हो गया है, वन मार्कर क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद होना चाहिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इन द ईयर एरा ऑफ 384 to 322 BC, इस टाइम ड्यूरेशन पे एरिस्टोटल ने काफी सारे डेवलपमेंट किए, बहुत सारी रिसर्च की, जिसमें उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि उन्होंने फर्दर क्लासिफिकेशन किया था सभी स्पीशीज का। कैसे किया था वो मैं आगे बताती हूँ, इसीलिए उनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। लेकिन वहीं पे उनके दूसरे पर्सन कौन थे, दैट इज थियोफॉर्स्टस। थियोफॉर्स्टस जो थे उन्होंने क्या किया था, वो 372 to 285 BC में आए और उनको फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। उन्होंने जो अपने वैदिक शास्त्र वगैरह थे उनके को बेस लेके एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटरम, ठीक है। उस बुक को उन्होंने जो हमारे यहाँ के कॉन्सेप्ट दिए गए थे उसके बेसिस पे यूरोप में जोन में जितने भी वहाँ पर फर्दर प्लांट्स थे, अलग अलग प्लांट की स्पीशीज थी, उन सबको उन्हीं पैरामीटर्स पे स्टडी किया और बहुत दूसरे नए कैरेक्टरिस्टिक भी क्लासीफाई किए। और फिर उन्होंने प्लांट्स को बेसिकली चार कैटेगरी में रख दिया, दैट इज ट्रीज, शर्ब्स, अंडर शर्ब्स एंड हर्ब्स, ठीक है। क्या क्या बोला, ट्रीज, शर्ब्स, अंडर हर्ब्स एंड शर्ब्स, इसीलिए उनको क्या बोला गया, फादर ऑफ बॉटनी बोला गया और उन्होंने वो डेवलपमेंट किया। तो ये दो लोगों का बहुत बड़ा अचीवमेंट है बायोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए। फर्दर अगेन एरिस्टोटल ने, जैसे मैंने बताया, उन्होंने बेसिकली आर्टिफिशियल सिस्टम डेवलप किया। आर्टिफिशियल सिस्टम है ना कि उन्होंने एक इमेजिनरी क्लासिफिकेशन दिया था जिसको बाद में अडॉप्ट किया गया, उन्होंने टर्म दी गई कि इतने इतने टाइप के स्पीशीज अगर हैं और उनका ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है और ये फीचर्स हैं, ये नेचर है, ऐसा उनका डेवलपमेंट है, तो उनको इस तरह से इन नाम के बेस पे क्लासिफाई कर दो। तो जैसे कुछ नाम उन्होंने क्या दिए जो अभी हमारे लिए बहुत हैबिचुअल है, दैट इज एक्वेटिक, टेरेस्ट्रीशियल, एरियल, कार्निवोरस, विवनिवोरस, ऐसे उन्होंने नाम दे दिए थे। तो उसको उस नेमिंग को बोला गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड देन फर्दर 18th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ जो क्या था, जिसने किसने किया, कार्लस लिनस ने किया। उन्होंने 1707 से लेके 1778 के टाइम ड्यूरेशन में, अपने पूरे लाइफ टाइम ड्यूरेशन में, उन्होंने बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमिनक्लेचर दिया, जिसके कारण उनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है। टेक्सोनॉमी यानी उन्होंने नेमिंग दी, ये जितनी भी स्पीशीज आइडेंटिफाई हो रही थी उनको सबको उनके कैरेक्टर और फीचर के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं प्लेस किया जा रहा था, अब उनको नाम देना था। जैसे हम काऊ को काऊ बोलते हैं, बफेलो बोलते हैं, एलिफेंट को एलिफेंट बोलते हैं, सबके नेमिंग है ना, पर्टिकुलर नाम उनको दिया गया है। तो वो नेमिंग सिस्टम बनाने वाले पर्सन कौन थे, ये थे जिन्होंने बेसिकली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक नॉमेनक्लेचर में अरेंज किया। उस नॉमेनक्लेचर में अरेंज करने के लिए उन्होंने इन सभी को तीन पर्टिकुलर डोमेन सिस्टम के अंदर डेवलप किया था, ठीक है। और उसको वो एक आइडिया दिया था, लेकिन वो डोमेन सिस्टम बनाने वाले दूसरे साइंटिस्ट थे। तो अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, वो क्या होगा, डोमेन सिस्टम। लेकिन वो मैं तभी आपको बताऊंगी, वो मेरे अगले वीडियो में आपको तभी मिलेगा जब आप ये सारी चीजें कवर अप कर लेंगे, प्रॉपरली लर्न करेंगे। आपका होमवर्क ये है कि इस सबको आपको अब एनसीईआरटी से आपका इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा रीड करना है, साथ ही साथ इन सारे टर्म्स, ये सारी चीजों के नोट्स बनाने हैं, इनको मेमोराइज करना है और अपना जो आपका नोट्स आप बना लें उसको फोटो खींच के हमारे 9099968685 वाले नंबर पे व्हाट्सएप करना है उसके पिक्स को। तो जैसे जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स की चीजें आती जाएंगी मुझे लगेगा कि हाँ भाई आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सो अब हम इसके बाद इसकी डिटेलिंग्स में फर्दर आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमको उनकी क्लासेस के बारे में पढ़ना है, इनकी स्पीशीज के बारे में पढ़ना है, उनको हमने और अलग अलग फर्दर पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो नेमिंग कैसे दी जाती है, आज की डेट में हम नई स्पीशीज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे स्टडी करते हैं, वो सारी चीजें भी मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। सो आई विश कि आपको मेरा ये वाला लेक्चर, ये वीडियो पसंद आया हो, आपको चीजें समझ में आई हो, हमारी ट्यूनिंग बैठ रही हो। तो अब अगले वीडियो में मैं आपको और डिटेल प्रॉपरली बताऊंगी। आई विश आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप हुआ हो। सो जस्ट गो थ्रू इट, सर्च इट एंड वर्क आउट अकॉर्डिंगली एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट न्यू वीडियो। ओके, थैंक यू। नोट डाउन कीजिए पूरा का पूरा फटाफट और होमवर्क कंप्लीट कीजिए। थैंक्स।